स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में हम प्लांट्स की बॉडी में जानेंगे कि जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन है, वो कैसे होगी। मेन हम फोकस करेंगे वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके लिए हमें चाहिए बीकर, कलर्ड वाटर और ये प्लांट विद व्हाइट फ्लावर, क्योंकि व्हाइट फ्लावर मैंने इसलिए लिया है ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छे से क्लियर हो सके। इस कलर्ड वाटर में मैंने कल ये प्लांट रख दिया था और 24 आवर्स के बाद में जो इस फ्लावर का एक्चुअल कलर है, ये देखिए, ये अभी का तोड़ा हुआ है, वाइट कलर है और यहाँ पे ये थोड़ा स्लाइटली पिंकिश हो गया है। अब हम इस प्लांट को उठा के नीचे से देखेंगे। ये देखिए, इसका जो है ये स्टेम आपको दिखाई दे रहा है, ये कलर्ड वाटर ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है, ये देखिए सारा। तो जो वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो रूट से जो लीव्स तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? स्टेम कर रहा है। और जिन वेसल्स में ये जाता है उनको हम बोलते हैं जाइलम। वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन वन डायरेक्शन में होती है, जबकि जो लीव में फूड बनता है उसकी डायरेक्शन दोनों तरफ होती है, टिप ऑफ द स्टेम एंड टिप ऑफ द रूट, क्योंकि फूड प्लांट के हर पार्ट को चाहिए होता है। अब चूंकि ये मोशन स्लो होते हैं, इसको समझने के लिए कि कैसे होता है, मैं एक ये दूसरा बीकर लिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा वाटर लिया है। चलो इस एडिबल कलर से हम इस वाटर को भी कलर कर देते हैं। और ये मैंने ली है बेटा एक पेपर स्ट्रिप। इस पेपर के टिप को मैं इस कलर्ड वाटर के साथ टच कराऊंगी और आप देखेंगे, ये देखिए वाटर कितना क्विकली इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक ऐसे ही प्लांट बॉडी के अंदर जाइलम्स के थ्रू वाटर रूट्स से लीफ की तरफ मूव करता है। वाटर इस स्ट्रिप में ऊपर तक पहुंच चुका है और इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। और यहाँ पे तीन फोर्स अप्लाई होते हैं, दूसरा होता है इसमें सरफेस टेंशन और थर्ड होता है इन लीव्स के थ्रू जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकलता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन जब होती है, यानी जो एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकलता है, वो एक सक्शन पुल क्रिएट करती है। उस सक्शन पुल की वजह से ही वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में जाता है। और जो तीसरी बात इसमें अप्लाई होती है वो ये कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स में।